कैसे आप लोग। मैं अनिता शर्मा बिहार से और पटना जिला से। तो अभी हम जा रहे फिलहाल मॉल कुछ शॉपिंग करने, तो देखते हैं क्या क्या ले पाते हैं। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं रोड पे और यहाँ से ऑटो लेकर सीधा देखते हैं कौन से मॉल जाएंगे। और आज है हमारा 8 तारीख, लेकिन बहुत लोग मतलब तो हम भी कंफ्यूज है क्या 6ठी है कि 5वीं है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि 4थी 2 दिन था, तो आज 8 तारीख है। आप लोग बताइए कि आज है क्या, मतलब 7वीं तक तो हम जनरली रहेंगे यहीं, 8वीं को सुबह सुबह चले जाएंगे घर। और मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, समझ सकते हैं, इसीलिए मेरा मुंह पूरा उतरा सा लग रहा है, कुछ भी नहीं, बस ज़बरदस्ती बिंदी और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिए, कहते थोड़ा सा मुंह ठीक लगे। हाय, तभी हम ऑटो लेकर फिलहाल पहुँचते हैं स्टेशन, क्योंकि मेरा प्लान है V2 जाने का। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं कैसा कैसा कलेक्शन है वहाँ। तो गाइज हुआ क्या कि मतलब जैसे हम रूम से निकले थे तो सोचे थे कि पूरा शॉपिंग करते हुए ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और मैं थोड़ा तबीयत भी सही नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि निकल तो गए जैसा हम बताया, तो फिर मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा था, तो होता है ना कि मूड ही नहीं होता बोलने का भी। तो वही सेम मेरे साथ भी हाल हुआ कि फिर हमको बिल्कुल मन ही नहीं किया कि फ़ोन उठा के कुछ बोलूँ भी, व्लॉग शूट करूँ। और आज हमारा 6ठी है, आज हमारा 8 तारीख है, लेकिन पता नहीं बहुत लोग बोल रहा था कि 4थी 2 दिन है, तो आज 5वीं है। और मतलब जैसे नवरात्रि हमारा 3 तारीख को चढ़ा है, तो आज जब 8 तारीख है तो आज 6ठी होना चाहिए। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आज क्या है। तो हम फिलहाल जल्दी जल्दी वहाँ से जो जो था खरीदना खरीद लिए, मतलब पापा के लिए था और बाबा के लिए था, मामा के लिए भी हमको साड़ी था लेना, लेकिन अभी इतना भीड़ चल रहा है। मतलब लड़कों लोग के लिए कपड़े में होता है जनरली कि आप शॉप में जाइए, शॉप कह रहे सॉरी मॉल में जाइए और मॉल से आप जो जो पसंद आया ले लीजिए, लेकिन लड़की लोग का साड़ी में थोड़ा सा, औरत लोग का स्पेशली साड़ी में थोड़ा सा होता है दिक्कत। और हमें इतना भीड़ के चक्कर में और इतना काम तो उतना नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी था हम खेतान नहीं जा पाए। तो हम सोचे कि जब घर जाएंगे ना, तो घर से मसौढ़ी बाजार है हम लोग का, तो मम्मी भी आ रही है हमारी 10 तारीख को, मम्मी दसवीं के दिन आ रही है, वही 11-12 जिस दिन भी हो, तो मम्मी के साथ जाएंगे मसौढ़ी, तो हम वहां से मामा के लिए ले लेंगे। तो फिलहाल हम बाबा और पापा के लिए टी शर्ट लिए और शर्ट लिए, तो हम दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा V2 से, इसमें हमारा शर्ट है और ये नीचे आप लोग देख रहे हैं ये 2 टी शर्ट है, एक टी शर्ट पिंक कलर का और एक टी शर्ट ग्रीन कलर का, जो बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें हमारा शर्ट है और उधर बेल रखा हुआ है। तो ये देखिए, ऐसा हम लाए कि मेरा ये झोला भी फट गया। ये लोग देता क्या चीज, देख रहे हैं अथी वाला तो रहता है, क्या बोलते हैं कागज वाला, तो टिकेगा कितना देर, फट ही जाएगा। तो यही हम शॉपिंग करके लाए, आप लोग इसके अंदर देख लीजिए, 2 टी शर्ट है और 1 शर्ट है। फाइनली आने के बाद थोड़ा बहुत भूख भी लग गया है, तो कुछ जाते हैं, कुछ जल्दी जल्दी खाते हैं, दूध तो लेकर आए, आज हल्दी दूध पी के सोएंगे, क्योंकि कल 7वीं है, तो कल हमको घूमना है, कैसे भी कल हमको घूमना है, क्योंकि हमको मेला घूमना है, बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से कुछ खाना खाते हैं, खाने के बाद हम मिलते हैं आपसे, छत पे जाएंगे कुछ देर के लिए तब, ठीक। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ये खाने हैं, इसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज है, तो वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। ऊपर हम आ गए हैं, तो दिखाते हैं क्या क्या है उसमें। ये रहा हमारा भटूरा, ये रहा छोला, ये रहा छोला, और ये रहा हमारा पूड़ी, ये रहा सब्जी, इसमें है सलाद, और इसमें है हमारा जलेबी। तो अब हम जल्दी जल्दी ये सारा कुछ खाते हैं, आप लोग देख लीजिए कितना टेस्टी लग रहा है देखिए में। तो अभी हम जल्दी जल्दी इसको खाते हैं, और खाने के बाद बात करेंगे, नहीं तो अभी ये ब्लॉग सीधा कंटिन्यू होगा कल, क्योंकि आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाया 7वीं के दिन। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, कोई बात नहीं, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे थरिया, यहाँ पर भी गिलास, यहाँ पर भी गिलास आ चुका है गाइस, तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी इसको खा लेते हैं, अब ये ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे कल, नहीं तो अगर खाने के बाद मूड करेगा तो आप उस टाइम भी कर सकते हैं गाइस। कल का भी पता है मेरे साथ हुआ कैसा रहा है, कल भी ये जब हम ब्लॉग शुरुआत किए थे इसी टाइम, ठीक से आ रहा ना, और आज भी ब्लॉग शुरुआत किए इसी टाइम, आज का भी, आज हमारा 7वीं है और कुछ देर में हम लोग जाएंगे घूमने ही, तो वो हम आपको दिखाएंगे कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। मतलब अभी हमारा बज रहा है 5:40 और ये हम लोग यहाँ पे, मेरा चाय है और उधर अनामिका चाय पी रही है, तो अभी हम लोग चाय पी लेते हैं। और ये मेरा बहुत ही छोटा सा ब्लॉग है, अब हमको लग रहा है इसमें हम दशहरा वाला ब्लॉग कंटिन्यू करें, ऐड करें कि नहीं करें, हमको सच्चे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं है करेंगे। अब दशहरा का अब अलग से ही ब्लॉग जाएगा, और वो आपको कल जाएगा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। तो इस ब्लॉग में कुछ हुआ ही नहीं, सच में कुछ नहीं हुआ, बस चाय पिए, देखिए चाय पी रहे और कल खाना खाए थे वही सब। और आज का मौसम भी देखिए कितना अच्छा किया हुआ, ये चांद बाबा कह रहे हैं, चांद मामा,
चांद, हाँ चांद मामा, हाफ चांद उगा हुआ। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और स्पेशली दशहरा का भी। तो अभी हम लोग मतलब दीदी भी मेरे साथ जा रही है, तो वो अभी है हमारे कहाँ है जी, दानापुर है। तो दीदी को दानापुर से आने में कुछ टाइम लगेगा, मतलब एक घंटा लगेगा। तो एक घंटे के बाद फिर तैयार व्यार होकर हम लोग निकलेंगे। तो आप सभी लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। तो अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा चंदा बाबा, नहीं गाइस सॉरी, माफ कर दीजिएगा। और आज तो पानी भी पड़ा था, आप लोग क्या अभी पानी नहीं पड़ रहा है क्या? तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं सीधा मेला घूमते हुए। तो स्टे ट्यून्ड, क्या चीज के साथ? पानी खाली ना पड़े, पानी पड़ के बाप रे, अगर पानी पड़ गया पूरा दा सारा काय कुचर हो जाएगा। बस पानी नहीं पड़े। तो मिलते हैं आप लोग से कल के ब्लॉग में, मतलब कल मिलेंगे। वो ब्लॉग हमारा कल अपलोड होगा, दशहरा घूमने किधर किधर जाएंगे पटना में, और आप लोग दशहरा कहाँ से मना रहे और आप लोग कहाँ है, पटना है, कोई जहाँ से भी है वहां से बताइएगा हमको जरूर, कि ताकि आज हमारा सप्तमी है तो अठवीं नौवीं को, जैसे आज हमारा सप्तमी को तो हम पटना रहेंगे फिर हम घर चले जाएंगे, तो ताकि हम वहां आ सके देखने के लिए भी। तो अगर आप लोग कहीं से भी देख रहे होंगे दशहरा, कहां से देख रहे हैं, वहां का पंडाल कैसा है क्या है, तो हमको जरूर बताइएगा ताकि हम अठवीं नौवीं को वहां आ सके। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग होता है यहीं पर खत्म। तो टाटा बाय बाय, अब मिलता है मेला घूमने के साथ सेकेंड ब्लॉग में। बाय।